In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum, dear student. Ms. Noreen Fatma Sheikh is here in front of you again with lecture number 2 on a mild attack of locust. As you know that in lecture number 1, we have started to discuss the translation and the synonyms of difficult words of book number 1, lesson number 10, mild attack of locust. So please recall your memory about the very lesson that it was written by Doris Lessing. And this lesson was about an attack of locust, some kind of insects. एक कीड़ों के हमले के बारे में था एंड दिस वाज ऑन अ सर्टन विलेज इन साउथ अफ्रीका. सो आई एम गोइंग टू रिज्यूम माय लेक्चर एंड ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन पैसेज फ्रॉम वेयर आई हैव स्टॉप्ड यस्टरडे इन माय लेक्चर नंबर 1. सो प्लीज बेटा गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट ट्रांसलेशन. दे वर throwing wet leaves onto the fires now. अब बेटे ये पैसेज उसके बारे में था कि जब ये अटैक हुआ लॉकस का तो what precautionary measures the farmers were adopting to control the this swarm. They were throwing wet leaves onto the fires now. अब वो आग पर गीले पत्ते फेंक रहे थे to make it acrid. यहाँ इट से मुराद आग है और एक्रिड कहते हैं हम कड़वा कसीला तलख. तो सिनोनिम्स हैं पंजेंट शार्प बिटर एंड हार्श एंड ब्लैक. तो हम इसको क्या बामुआवरा ट्रांसलेशन क्या करेंगे कि वो लोग अब यहाँ वो लोगों से मुराद फार्मर्स है किसान है. वो लोग अब आग के ऊपर गीले पत्ते फेंक रहे थे ताकि इसको कड़वा तल्ख और काला बनाया जा सके. मार्गरेट वॉज वॉचिंग द हिल्स. मार्गरेट पहाड़ों को देख रही थी. नाउ देयर वॉज अ लॉन्ग लो क्लाउड एडवांसिंग रस्ट कलर्ड स्टिल स्वेलिंग फॉरवर्ड एंड आउट एज शी लुक्ड. मार्गरेट पहाड़ों को देख रही थी. Now there was a long, अब वहां एक तवील यानी एक लंबा लो क्लाउड नीचा एडवांसिंग आगे को बढ़ता हुआ रस्ट कलर्ड नारंगी रंग का यानी अभी तक जिसका रंग नारंगी था या वह एक बादल था. स्वेलिंग जो कि फैल रहा था. स्वेलिंग ये एडवांसिंग के बेटे सिनोनिम्स देख लें मूव यानी आगे बढ़ना मेक प्रोग्रेस go ahead और swelling के देखिएगा फैलना यानी spread expand outstretch. forward जो कि फैल रहा था आगे and out और बाहर as she looked जब उसने उसे देखा. so I am going to do the translation of this lengthy sentence again. कि Margaret पहाड़ों को देख रही थी अब वहां एक लंबा नीचा आगे को बढ़ता हुआ एक नारंगी रंग का एक बादल था जो के आगे को और बाहर को फैल रहा था जब उसने उसे देखा. द टेलीफोन वॉज रिंगिंग. टेलीफोन बज रहा था या हम यूं भी कह सकते हैं कि टेलीफोन की घंटी बज रही थी. नेबर्स पड़ोसियों क्विक क्विक जल्दी करो जल्दी करो. देयर कम द लॉकर्स यहाँ टिड्डीदल आ गए हैं. ओल्ड समित हैड हैड हिज क्रॉप ईटन टू द ग्राउंड. बूढ़े समित की फसल जमीन तक खाई जा चुकी थी या हम यूं भी कह सकते हैं कि बूढ़े समित की फसल का जमीन तक सफाया हो चुका था. क्विक जल्दी करो. गेट योर फायर स्टार्टेड अपनी आग जलाना शुरू करो. Next. जी. For of course, while every farmer hoped the locusts would overlook this farm and go on to the next, it was only fair to warn the others. One must play fair. So please better look at. For of course, बिला शुबा while every farmer, जबकि हर farmer की
होप, ये तवक्को थी, ये ख्वाहिश थी, द लॉकर्स विड ओवरलुक, ओवरलुक कहते हैं हम नजरअंदाज कर देना। सिनोनिम्स हैं इग्नोर, डिसरिगार्ड, टेक नो नोटिस। के जबकि हर फार्म की हर फार्म सॉरी हर फार्मर की हर किसान की ये ख्वाहिश थी या ये तवक्को थी कि टिड्डियां उसके खेत को नज़रअंदाज कर दें एंड गो ऑन टू द नेस्ट और अगले खेत की तरफ चली जाएं। इट वाज ओनली फेयर टू वॉर्न अदर्स, लेकिन दूसरों को खबरदार करना बहुत अच्छा काम था या ये जायज़ था या ये मुनसिफाना काम था कि दूसरों को आगाह किया जाए, दूसरों को खबरदार किया जाए। ये वॉर्न कहते हैं आगाह करना, खबरदार करना, तंबीह करना। तो बेटे इसके सिनोनिम देखिएगा, इन्फॉर्म, गिव वार्निंग, फॉरवार्न। तो वन मस्ट प्ले फेयर, तो हर एक को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। तो फेयर ईमानदारी से, यानी ये जायज। और इसके बेटे सिनोनिम्स हैं प्रॉपर, सेटिस्फैक्ट्री, डिसेंट। एवरीवेयर, हर जगह, 50 माइल्स ओवर द कंट्री साइड, यानी उस देहात के 50 मील के अंदर हर जगह, द स्मोक वाज राइजिंग फ्रॉम ए मेरिएट ऑफ फायर्स, धुआं उठ रहा था। मेरिएट बेटा कहते हैं काउंटलेस को, बेशुमार, अनगिनत। तो इसके सिनोनिम्स हैं न्यूमरस, इननमरेबल एंड काउंटलेस। तो क्या था कि हर जगह उस देहात के 50 मील के अंदर बेशुमार आग के बेशुमार अलाव से धुआं उठ रहा था। मार्गरेट आंसर्ड द टेलीफोन कॉल, टेलीफोन कॉल्स का वो जवाब दे रही थी। मार्गरेट टेलीफोन कॉल्स का जवाब दे रही थी एंड बिटवीन कॉल्स, और उस कॉल्स के दरमियान शी स्टूड वॉचिंग द लॉकर्स, वो खड़ी टड्डियों को देख रही थी। द एयर वॉज डार्कनिंग, फजा तारीक हो रही थी या फजा पे तारीकी छाने लगी थी। So from the previous slide, I have not translated again. So I want to translate it for your convenience again. I am going back. So I want to translate it again. The whole slide I want to do. Ji. I have to search that slide, bete. जी जी, वो आग के ऊपर गीले पत्ते फेंक रहे थे ताकि इसको कड़वा और काला बनाया जा सके। मार्गरेट पहाड़ों को देख रही थी। अब वहां एक लंबा नीचा एक बादल था जो का जिसका रंग अभी भी नारंगी था और वो आगे को बढ़ रहा था। जब उसने उसे देखा तो वो आगे को और बाहर की तरफ फैल रहा था। टेलीफोन की घंटियां बज रही थीं या टेलीफोन बज रहा था। हमसायों जल्दी करो, जल्दी करो, टिड्डी दल आ गए हैं। बूढ़े समित की फसल को जमीन तक खाया जा चुका था। जल्दी करो, अपनी आग जलाना शुरू करो। नेक्स्ट स्लाइड्स आई हैव ट्रांसलेटेड इट बिफोर बट आई एम गोइंग टू अगेन। बिलाशुबा जब हर किसान की ये तवक्को थी कि टिड्डियां उसके खेत को नज़रअंदाज करके अगले की तरफ बढ़ जाएं, फिर भी दूसरों को खबरदार करना एक अच्छा या एक ईमानदारी का काम था और हर एक को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। देहात के 50 मील के अंदर हर जगह आग के बेशुमार अलाव से धुआं उठ रहा था। मार्गरेट टेलीफोन कॉल्स का जवाब दे रही थी और वो खड़ी देखती रही, टिड्डियों को खड़ी देखती रही। एंड बिटवीन कॉल्स हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि मार्गरेट टेलीफोन कॉल्स का जवाब दे रही थी और उन कॉल्स के दरमियान वो खड़ी टिड्डियों को देखती रही। द एयर वॉज डार्कनिंग, हवा तारीक हो रही थी, यानी फजा पर तारीकी छाने लगी थी। नेक्स्ट स्लाइड बेटा, मूव फॉरवर्ड टू द ट्रांसलेशन। अ स्ट्रेंज डार्कनेस,
आप बेटा ये जरा जहन में रखिएगा कि दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन, यानी ये जो सारा मंजर है इसकी मंजरकशी की गई है और ये किसकी आंखों से सारा कुछ देखा जा रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली ये मार्गरेट की आंखों से ये देखा जा रहा है। खास तौर पर जो आप लोग देखिएगा कॉमास बिगिन और कॉमास इन्वर्टेड कॉमास में जो डायलॉग्स हैं, जो बातें हैं वो उसकी बयान करदा हैं। तो अ स्ट्रेंज डार्कनेस के कैसे उसका हमला हुआ टिड्डियों का, तो फजा कैसे तारीक हो गई, रात का सा समा छा गया और अजीब तरह सी तारीकी थी, उनकी आमद का मंजर वो बयान कर रही है। तो ये सारा कुछ है बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ब्यूटीफुली शी इज गोइंग टू डिस्क्राइब। अ स्ट्रेंज डार्कनेस, एक अजीब तरह की तारीकी, फॉर द सन वॉज ब्लेजिंग, ब्लेजिंग का मतलब होता है चमकना, शाइन, फ्लेयर, फ्लैश, ग्लिटर, क्योंकि सूरज तो चमक रहा था। इट वॉज लाइक द डार्कनेस ऑफ ए वेल्ड फायर। वेल्ड फायर कहते हैं बेटे जो घास के मैदानों में जब आग लग जाती है, तो उसने यहाँ पे वो जो आग थी उसको उससे तशबीह दी है कि एक अजीब तरह की तारीकी, क्योंकि सूरज तो चमक रहा था और ये घास के मैदानों में लगी आग की सी तारीकी की मानत थी। व्हेन द एयर गेट थिक विद स्मोक, जब हवा धुएं की वजह से बोझल हो जाती है। द सनलाइट कम्स डाउन डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड कहते हैं मशक शुदा होकर, तहरीफ शुदा होकर। पर्वर्टेड सिनोनिम्स देखिएगा, पर्वर्टेड, फॉल्सिफाइड एंड टेम्पर्ड। तो सूरज की रोशनी मशक शुदा होकर नीचे आती है, अ थिक हॉट ऑरेंज, एक थिक यानी घनी गहरी तेज नारंगी रंग की रोशनी। ओप्रेसिव, ओप्रेसिव कहते हैं बोझल है यानी घुटन ज्यादा। सफोकेटिंग, स्टाइफलिंग, एयरलेस। इट वॉज टू विद द हैवीनेस ऑफ अ स्टॉर्म। हैवीनेस कहते हैं बोझलपन को, भारीपन को। तो सिनोनिम्स देखिएगा, प्रेशर, स्ट्रेन, स्ट्रेस, टेंशन। तो हवा के ये तूफान के भारीपन की वजह से, तूफान के घुटन की वजह से जो फजा थी वो बोझल थी। द लॉकस वर कमिंग फार, टिड्डियां तेजी से आ रही थी। नाउ हाफ द स्काई वॉज डार्कन, तकरीबन जो था ये निस आसमान पे तारीकी छा चुकी थी। बिहाइंड द रेडिश वेल्स, वेल्स कहते हैं नकाब को, पर्दा या आड़, और इसके सिनोनिम्स हैं कवरिंग, मेंटल एंड क्लॉक, स्क्रीन। इन फ्रंट सामने, सामने क्या, सुर्ख रंग की आड़। विच वर द एडवांस गार्ड ऑफ द स्वाम, स्वाम बेटा यहाँ वो टिड्डियों के लश्कर की बात हो रही है कि एडवांस गार्ड कहते हैं हरावल दस्ते को, जो कि हमले में पेश करने करने वाले जो दस्ते सबसे पहले होते हैं, हम उनको एडवांस गार्ड इंग्लिश में और उर्दू में हरावल दस्ता कहते हैं। तो क्या है कि सुर्ख नकाब, सामने सुर्ख नकाब जो के उस लश्कर का हरावल दस्ता था के पीछे, द मेन सवाम बड़ा लश्कर था। यानी कहने का मतलब यह है कि सामने एक फजा में उन्हें सुर्ख रंग का जो नकाब सा नजर आ रहा था उसके पीछे भी एक और लश्कर था, और एक वही बड़ा लश्कर था, वही तो मेन लश्कर था। स्वाम, कलेक्शन, हर्ड, फ्लॉक, शोर दिखाई दे रहा था। इन डेंस, डेंस कहते हैं घना, थिक, कंसंट्रेटेड, मर्की, ब्लैक क्लाउड, एक घने काले रंग के बादल की सूरत में, रीचिंग ऑलमोस्ट टू द सन इटसेल्फ, जो के सूरज की बुलंदी को छू रहा था। बेटे अगेन आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट द होल स्लाइड फॉर योर कन्वीनियंस। एक अजीब तरह की तारीकी, फॉर द सन वॉज ब्लेजिंग, क्योंकि सूरज तो चमक रहा था। इट वॉज लाइक द डार्कनेस ऑफ अ वेल्ड फायर, ये घास के मैदान में लगने वाली आग की तारीकी जैसी तारीकी थी, जब हवा धुएं की वजह से बोझल हो जाती है, रोशनी मशक शुदा होकर नीचे आती है। ये एक तेज नारंगी रंग की गहरी रोशनी है और फजा तूफान के भारीपन की वजह से बोझल है, या तूफान की घुटन की वजह से बोझल है।
टिड्डियां तेजी से आ रही थीं, तकरीबन निस्फ आसमान पर तारीकी छा चुकी थी। सामने सुर्ख रंग की आड़ जो के लश्कर का हरावल दस्ता था के पीछे असल लश्कर था, बड़ा लश्कर था जो के एक गहरे घने घने गहरे और काले बादल की सूरत में नजर आ रहा था और जो के आसमान की बुलंदी को छू रहा था। नेक्स्ट स्लाइड। मार्गरेट वॉज वंडरिंग व्हाट शी कुड डू टू हेल्प। आपको मैंने पीछे बेटा इन लेक्चर नंबर वन में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मार्गरेट हैड मैरिड टू रिचर्ड 3 years ago और शी हैज नॉट एक्सपीरियंस दिस अटैक ऑफ लोकस बिफोर। उसके लिए सब कुछ नया था। शी हैज बीन हेयरिंग अबाउट दिस, अगर जब उसका तस्करा तो सुनती रहती थी लेकिन उसके सामने कभी ऐसा हुआ नहीं था। सो इट वॉज अ न्यू फॉर हर एंड शी डिडंट नो वट शी हैव टू डू टू हेल्प दीज पीजेंट्स। तो इसलिए कहे यहाँ देखिएगा वो कहती है कि मार्गरेट वॉज वंडरिंग। वंडरिंग कहते हैं रिफ्लेक्ट, पॉन्डर, मेडिटेट। मार्गरेट सोच रही थी व्हाट शी वुड डू टू हेल्प, कि वो उनकी मदद करने के लिए क्या करे। शी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी। देन अप केम ओल्ड स्टीफन फ्रॉम द लैंड, तब खेत से बूढ़ा स्टीफन आया। वी आर फिनिश्ड, ये उसके स्टीफन के अल्फाज हैं। ये देखे ना कॉमाज, आपको इन्वर्टेड कॉमाज नजर आ रहे हैं। वी आर फिनिश्ड, हम तबाह हो गए हैं। मार्गरेट फिनिश्ड, हम तबाह हो गए हैं। दोज बैगर्स कैन ईट एवरी लीफ एंड ब्लेड ऑफ द फार्म इन हाफ एन आवर। वो भिकारी, ये भिकारी से मुराद लोकस है, ये भिकारी, वो भिकारी आधे घंटे के अंदर अंदर खेत के हर पत्ते और पत्ती को खा सकते हैं। एंड इट इज ओनली अर्ली आफ्टरनून, और अभी तो ये सहपहर का आगाज है। इफ वी कैन मेक एनफ स्मोक, अगर हम धुआं यानी बहुत ज्यादा धुआं बनाते रहे, पैदा करते रहे, मेक एनफ नॉइज और खूब शोर शराबा करते रहे, टिल द सन गोज डाउन यानी जब तक के सूरज गरूब ना हो जाए, तो दे विल सेटल समवेयर एल्स, तो वो टिड्डियां किसी और जगह जाकर आबाद हो जाएंगी। सेटल यानी ठिकाना बना लेंगी, घर बना लेंगी, रिहाइश बना लेंगी। तो इसके सिनोनिम देखिएगा लॉज, ए लाइट, लैंड, हाउस। तो देखिए उसने आकर क्या कहा कि हम तबाह हो गए हैं, हम तबाह हो गए हैं। वो भिकारी एक आधे घंटे के अंदर अंदर हर पत्ते और पत्ती को खा सकते हैं, और अभी तो सहपहर का आगाज है। अगर हम इसी तरह बहुत ज्यादा धुआं बनाते रहे या पैदा करते रहे और खूब शोर शराबा करते रहे जब तक के सूरज गरूब ना हो जाए, तो ये टिड्डियां किसी और जगह जाकर ठिकाना कर लेंगी। एंड देन, और तब तक गेट द कैटल गोइंग, तब तक चूल्हा जलाए रखो, तब तक आग जलाए रखो, इसका ये भी मतलब हो सकता है। और कैटल को यह हम ड्रम की सूरत में भी कह सकते हैं कि तब तक शोर करते रहो, तब तक ड्रम बजाते रहो। इट इज थर्स्टी वर्क, थर्स्टी टायरिंग, बेटा इसके सिनोनिम्स हैं टायरिंग यानी ये मुशक्कत तलब काम है, टायरिंग, टफ and hard. So I am going to translate the whole slide for your convenience. Ji, Margaret soch rahi thi ke wo unki madad karne ke liye kya kare. Wo nahi janti thi. Tab buda Stephen kheton se aaya. Hum tabah, usne kaha, hum tabah ho gaye hain Margaret, hum tabah ho gaye hain. Wo bhikari aadhe ghante ke andar andar har patte aur patti ko kha sakte hain, aur abhi to ye sapahar ka aagaaz hai. Agar hum suraj gharub hone tak bahut zyada dhuan karte rahe aur khoob shor sharaba karte rahe, to ye shayad kahin aur jaakar abaad ho jaye. To tab tak dhol bajate raho, tab tak chulha jalate raho, ye ek mushakkat talab काम है। नेक्स्ट बेटे, लुकिंग आउट, अगर बाहर देखें तो ऑल द ट्रीज वर क्वेयर। क्वेयर क्या होता है? स्ट्रेंज, अनयूजुअल, ऑड। तमाम दरख्त बहुत अजीब एंड स्टिल, स्टिल कहते हैं साकित, साकित तो जामिद यानी कोई हरकत नहीं कर रहे थे, मोशनलेस, स्टैटिक, इमोबाइल। क्लॉटेड भरे हुए थे विद इंसेक्ट्स, कीड़ों के साथ। तो क्लॉटेड के सिनोनिम्स असेंबल, एक्यूमुलेट, रैली, फिल्ड विद एंड फुल ऑफ। देयर बाउज
वे टू द ग्राउंड, ये किसकी डिस्क्रिप्शन है, ये दरख्तों की डिस्क्रिप्शन है कि अटैक ऑफ लोकस के वक्त दरख्तों की क्या सूरत हाल हो गई थी। देयर बाउस, उनकी ब्रांचें, उनकी शाख शाखें वे टू द ग्राउंड, उनके वजन की वजह से जमीन से क्या थी, झुक गई थी। द अर्थ सीम टू बी मूविंग, और ज़मीन हरकत करते हुए नज़र आ रही थी। यानी ये इतना ज़्यादा स्वाम, इतना बड़ा स्वाम था, इतना बड़ा लश्कर था कि हर जगह इंसेक्ट से इंसेक्ट थे, कि ज़मीन पर भी इंसेक्ट थे, दरख्तों पर इंसेक्ट, और एवरीथिंग वाज क्लॉटेड विद इंसेक्ट्स। सो दोबारा इसको देखिएगा, बाहर देखें तो तमाम दरख्त बहुत अजीब और साकी तो जामित लग रहे थे, वो कीड़ों से भरे हुए थे और उनकी शाखें उनके वजन यानी कीड़ों की वजन की वजह से ज़मीन से लग चुकी थीं। ज़मीन हरकत करती हुई दिखाई दे रही थी, लॉकस क्रॉलिंग एवरीवेयर, क्योंकि टिड्डियाँ हर जगह पर रेंग रही थीं। तो क्रॉलिंग कहते हैं क्रीप, ट्रेल, ड्रैग। शी कुड नॉट सी द लैंड्स एट ऑल, सो थिक वाज द स्वार्म, ये लश्कर इतना घना था कि वो ज़मीन ना देख सकी, यानी इतनी ज़्यादा वहाँ टिड्डी दल थे कि ज़मीन तो नज़र ही नहीं आ रही थी। Toward the mountain, it was like looking into driving rain. पहाड़ों की तरफ देखना बारिश की तेज बौछार को देखने के मुतरादिव था। As he was, जब उसने देखा तो the sun was blotted out with a fresh on rush of the insects. कहते जब उसने देखा तो सूरज भी, रोशनी भी, blotted कहते मध्यम पड़ जाना, dim, shadow, obscure, out with a fresh on rush. ऑन रश कहते हैं बेटा हमला, यलगार, अटैक, अजाल्ट, ऑनसेट, चार्ज। कहते हैं कि जब उसने देखा तो सूरज भी उन कीड़ों के ताज़ा बोछाड़ की वजह से धुंधला हो गया था, यानी सूरज की रोशनी भी धुंधली और मध्यम पड़ गई थी। इट वाज, यानी जब सूरज चमक रहा था और उसके आगे जब इतने ज़्यादा स्वार्म ऑफ लॉकस थे, तो जाहिर बात है वो सूरज की रोशनी के आगे आ गए, तो सूरज की रोशनी मध्यम पड़ गई। तो इट वॉज हाफ नाइट, ये निसफ रात थी, यानी ये निसफ रात का सा समा था। अ परवर्टेड ब्लैकनेस, एक मशक शुदा अंधेरा, एक मशक शुदा जो थी वो तारीकी नज़र आ रही थी। हम यूँ भी कह सकते हैं कि बड़ी अजीब सी तारीकी, मशक शुदा बिगड़ी हुई तारीकी थी। तो फॉर योर कन्वीनियंस आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट द होल स्लाइड्स अगैन सो डैट इट मे ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द ट्रांसलेशन। बाहर देखें तो तमाम दरख्त अजीब थे और साकित जामित थे, कीड़ों से भरे हुए थे और उनकी शाखें जो थीं वो वजन की वजह से ज़मीन को छू रही थीं। ज़मीन हरकत करती हुई नज़र आ रही थी क्योंकि टिड्डियाँ हर जगह पर रेंग रही थीं। वो इतना लश्कर इतना ज़्यादा घना था कि वो ज़मीन को नहीं देख सकती थी। पहाड़ों की तरफ देखना बारिश की तेज बौछार को देखने के मुतरादिव था। जब उसने देखा तो सूरज भी उन कीड़ों के ताज़ा हमले की वजह से, यानी सूरज की रोशनी भी उन ताज़ा कीड़ों के ताज़ा हमले की वजह से धुंधला गई थी, और ये एक अजीब तरह की मशकशुदा तारीकी थी। इट इज द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस लेक्चर नंबर 2 बेटे, सो प्लीज पॉन्डर ओवर इट। देन केम अ शार्प क्रैक, क्रैक कहते हैं जोरदार आवाज को, शार्प जोरदार और क्रैक आवाज, बैंग, ब्लास्ट, क्लैप, क्रैश फ्रॉम द बुश। तब झाड़ी में से एक तेज आवाज यानी चटकने की, टूटने की तेज आवाज आई। अ ब्रांच हैड स्नैप्ड ऑफ, एक शाख जो थी वो टूट चुकी थी। स्नैप्ड ऑफ यानी ब्रांच से वो जो शाख थी वो दरख्त से टूट चुकी थी। तो स्नैप ऑफ का सिनोनिम फ्रैक्चर, ब्रेक, क्रैक। आपको बेटा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो उनके वजन की वजह से जो कमजोर शाख थी वो पहले ही इतना ज्यादा उसका वजन था, तो वजन की वजह से वो झुकी थी और जो ज्यादा कमजोर थी शाख वो तो टूट भी गई। देन एनदर, फिर एक और टूटी। अ ट्री डाउन द स्लोप लीन ओवर, एक दरख्त जो के ढलवान पर झुका हुआ था, लीन कहते हैं टिल्टेड, बेंट, एंड सेटल्ड यानी एक जो दरख्त
ढलवान पर झुका एंड सेटल्ड हैवीली टू द ग्राउंड, और जमीन पर धम की आवाज से या जोरदार आवाज से गिर गया, यानी जमीन बोस हो गया। थ्रू द हेल ऑफ इंसेक्ट्स अ मैन केम रनिंग। हेल कहते हैं शावर, रेन, बम्बार्डमेंट या बौछाड़, यानी कि तो कीड़ों की बारिश या कीड़ों की बौछाड़ में से एक आदमी भागता हुआ आया। ऑल द क्रॉप्स फिनिश, तमाम फसलें तबाह हो गई हैं। नथिंग लेफ्ट, कुछ भी बाकी नहीं बचा। अगेन लिसन माय डियर स्टूडेंट्स, तब एक झाड़ी से एक जोरदार आवाज आई, या हम कह सकते हैं चटकने की जोरदार आवाज आई। एक शाख टूट चुकी थी, एक शाख टूटी, फिर दूसरी टूटी, और क्या कि एक दरख्त ढलवान की तरफ झुका और फिर धम से जमीन बोस हो गया। कीड़ों की बौछार से एक आदमी भागते हुए आया और कहने लगा, तमाम फसलें तबाह हो गई हैं, कुछ बाकी नहीं बचा। तो हेयर माई डियर स्टूडेंट्स, सॉरी ये आई हैव टू कम्प्लीट इट इन टू और थ्री लाइन्स लेफ्ट, बट द गोंग्स, बेल, अलार्म, चाइम एंड सिंबल। गोंग की बेटा मैंने स्लाइड आपको लेक्चर नंबर 1 में दिखाई थी, उसकी मैंने आपको इमेज भी दिखाया था। तो गोंग कहते हैं टन टन को, घंटी को। वह स्टिल बीटिंग, तो वो कि मतलब देखिए कि फसलें तबाह हो गई हैं, तो आगे ये क्वेश्चन करेगी मार्गरेट कि घंटियां अभी तक बज रही थी। द मैन स्टिल शाउटिंग, एंड आदमी अभी भी चिल्ला रहे थे। एंड मार्गरेट आ, तो मार्गरेट ने पूछा व्हाई डू यू गो ऑन विद इट देन, तो तब वो तुम लोग ये सब, आप लोग ये सब ऐसा क्यों किए हुए हैं। उसका मतलब ये था कि अगर सब कुछ तबाह हो गया है तो अब तक ये घंटियां क्यों बज रही हैं और अब तक ये शोर शराबा क्यों हो रहा है। तो इसका जवाब इंशाल्लाह ताला जो है वो आदमी मार्गरेट को अगली स्लाइड में देगा, एंड वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। इसके साथ बेटे मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, होप सो यू हैव वेल अंडरस्टूड, आपको ये समझ आ गई हो। तो लेक्चर नंबर 3 आई वुड बी इंशाल्लाह इन फ्रंट ऑफ यू, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।